जेरी फूड्स किचन में वेलकम दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे टिक्का पराठा रोल बनाना, जिसमें एक सॉस बनाना सिखाएंगे जो कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा और बहुत जबरदस्त बनेगा। चलो जल्दी से शुरू करते हैं, उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। तो चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ले लेना है बहुत छोटे क्यूब्स में कटा हुआ 250 ग्राम चिकन, वैसे कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर जी हमने 2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करना है, आप चाहें तो लेमन जूस ऐड करें चाहे फ्रेश निचोड़ लें। उसके बाद 1 टीस्पून आ जाएगा गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून आ जाएगा जिंजर पेस्ट। उसके बाद जी नमक आपके टेस्ट के मुताबिक आएगा, जितना आपको पसंद है उतना ऐड कर लें। उसके बाद जी आ जाएगा लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून आ जाएगा, और उसके बाद जी आ जाएगा धनिया पाउडर 2 टीस्पून धनिया पाउडर आ जाएगा, और 1 टीस्पून आ जाएगा जी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून आ जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून आ जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। उसके बाद 2 टेबलस्पून हमने दही ऐड करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो मैरिनेट करके रखें, चाहें तो ना रखें, लेकिन मैं रखूँगी थोड़ी देर के लिए जब तक हम बाकी स्टेप कर लेंगे। साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ तक कि चिकन सारा कोट हो जाए। और इसका तीसरा स्टेप जो है ना रेसिपी का, वो बहुत अहम है। टोटल 3 स्टेप होंगे रेसिपी के। तो चिकन को अच्छी तरह से आपने करके मिक्स साइड पे कर देना है, और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ, जिसमें हमने लेना है 2 कप मैदा। उसमें ऐड कर देंगे नमक, वो भी आपके टेस्ट के मुताबिक आएगा, और अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है। अब या अगर सर्दियाँ हैं तो तब आप नीम गर्म पानी लेंगे, वैसे तो अभी तक गर्मी या नॉर्मल मौसम चल रहा है तो हम नॉर्मल पानी के साथ ही इसको गूंथ लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी टिप है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करें, एक दिन आएगा आप भी प्रोफेशनल हो जाएंगे, डोंट वरी। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और जो डो है ना हमारी वो हार्ड वाली साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। तो हार्ड वाली साइड पे करके आपने थोड़ा सा गूंदना है, 2-4 मिनट गूंदे, और इसको 10 मिनट के लिए कवर कर दें। तब तक चलते हैं अपने दूसरे अहम पॉइंट की तरफ। तो उसके लिए हमने 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट लिया, 2-3 हरी मिर्चें ली, और 1 बंच जो है ना वो धनिया लिया ताज़ा वाला। ये सॉस है जो इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अब हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है ब्लेंडिंग जग या छोटी डिब्बी में ऐड कर लें। 2 टेबलस्पून ऐड कर दे दही, और इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जी हम चलते हैं इसको मिक्स करने की तरफ, और सॉस की ये अहम पॉइंट है, सॉस का स्किप ना कीजिएगा। 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ आपने ले लेनी है, और फिर उसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही, और उसके बाद जी ये वाली चटनी जो हमने बना के रखी ये ऐड करेंगे। आपके टेस्ट के मुताबिक नमक आ जाएगा, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर आ जाएगा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर आ जाएगा। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बहुत अच्छी तरह से इसको लम्स फ्री करके मिक्स करके फिर जी हमने इसको साइड पर रख देना है। इसका बहुत अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि हमने पराठों के ऊपर लगानी है बाद में। अब पराठा कैसे बनाना है, बहुत ही अहम और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। छोटे छोटे से बॉल्स बनाएं और रखते जाएं सारे, ठीक है। अब इसके बाद हमने कोई रेस्ट नहीं देनी, बस साथ साथ काम करते जाना है ताकि तेज़ी से हमारा काम ख़त्म हो। तो सारे बॉल्स बना लेंगे। उसके बाद ही हमने बेल लेने हैं बॉल्स, और उसके ऊपर थोड़ा सा 1 टीस्पून के बराबर ऑयल लगा के ना उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देना, और कुछ इस तरह से बारीक हो मोटी हो इस तरह की स्ट्रिप्स में कट कर लेना है। कोई आपको इसमें मेजरिंग की ज़रूरत नहीं है कि आपने नाप तोल के कटिंग करनी है, नो, बस जिस तरह से हो रही है कर लें, फिर सारी स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लें और इसको थोड़ा सा जोड़ के आपस में रोल कर दें। इस तरह से कुछ इस तरह से पेड़ा बन जाएगा, बनेगा एट द एंड गोल ही, टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो सारे मैंने बना लिए, अब इन सब को बेल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें बेला कुछ इस तरह से है कि लेयर्स भी नज़र आ रही हैं, आपको आ रही होंगी। और अब चलते हैं जी इनको पकाने की तरफ, कि इनको पकाना किस तरह से। आप चाहें तो इस पॉइंट पे इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं प्लास्टिक रैप में, ठीक है। फिर जी तवा गर्म किया, 1/2 टीस्पून ऑयल लगा दिया, एक साइड पका ली, फिर ऊपर 1 टीस्पून ऑयल लगाया, कुछ बहुत थोड़ा ऑयल लगा के आपने इनको पकाना है। इस तरह से ज़्यादा हैवी भी नहीं होते, लाइट वेट भी रहते हैं, मज़ा भी आता है खाने का। जल्दी जल्दी से एक और देख लें, बहुत तेज़ी में मैं आपको बताऊंगी ताकि आपका कीमती टाइम जो है वो वेस्ट भी ना हो, आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे हो सारे टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखें खूबसूरत से पराठे तैयार हो चुके हैं। अब हमने 1 टीस्पून ऑयल डालना है, और उसमें ऐड कर देना चिकन, और उसी वाला पानी ऐड करके थोड़ा सा, ताकि एंड में मसाला जो है वो चिपका ना रह जाए, वो ऐड करके आपने इसको कवर कर देना है और इसको पका लेना, ठीक है। इतना ड्राई करना है कि पानी फुल ड्राई हो जाए। अब इसमें एक बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर भी हमें चाहिए, उसके लिए हम साथ ही साथ एक रख देंगे लकड़ी का पीस,
जो कि हमने जला लेना है, और उसका स्मोकी फ्लेवर क्योंकि हमें चाहिए तो कोयला जो है वो उसको जला लेना है हमने। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऐड करके इसको कवर कर देना, लीड की तरफ ध्यान ना दीजिएगा, थोड़ा सा गंदे वाला मुझे मिल गया पर कोई बात नहीं है, काम तो इसने वाला कर दिया ना। अब जी हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया और निकाल दिया, अब चलते हैं असेंबलिंग की तरफ। बहुत अहम पॉइंट ये भी आ गया, पराठा नीचे रखा, ऊपर सॉस लगाया, 2 चम्मच लगा लें आपकी चॉइस भी है वैसे, बाद में सर्व भी इसी के साथ करेंगे। ऊपर लगाई चिकन की लेयर, ऊपर लगाए प्याज जिनको मैंने काट के ना थोड़ा सा नमक लगा के फिर उसके बाद अच्छे से धो लिया था, उसके बाद टमाटर और खीरा लगा दिया। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी अपनी चॉइस की लगा सकते हैं, लेकिन ये इतने में ही इतना खूबसूरत इतना मज़ेदार होता है ना। तो बस ये हमारे पराठा रोल जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब ये चेक करें आप, सॉस इतना मज़ेदार है, इसी के साथ आपने इसको सर्व करना है। बहुत ज़बरदस्त ही रेसिपी, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एक एक कॉमेंट प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, ताकि मैं आगे और ज़बरदस्त सा कॉन्टेंट आपके लिए डालती रहूं। चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। मैं मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडिया के साथ, तब तक के लिए रब रखा, अल्लाह हाफिज़।